सुमित यादव एम बराबर 1 और 3 दो आंसर्स निकल के आए। चलिए बहुत बढ़िया, और कोई बच्चा है जो इसका करेक्ट जवाब देगा? ठीक है, किसी को अगर बात समझ में आई है कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है जी, 4 माइनस m x का होल x स्क्वायर, मूलों को अगर मुझे चेक करना है तो ऑब्वियस सी बात है हमें d निकालना पड़ेगा। यस और नो, क्या करना पड़ेगा? d करना पड़ेगा, और जैसे ही हम d करेंगे तो d करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, वहां से m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यस और नो? अच्छा, मूल समान है तो मूल समान के लिए d क्या होता है? जब मूल समान होते हैं तो d का वैल्यू क्या 0 के बराबर होता है कि नहीं होता है? होता है। तो अगर d बराबर 0 के, अब यहां से जरा देखो, a का वैल्यू कितना दिख रहा है जी, 4 माइनस m दिख रहा है, b का वैल्यू कितना दिख रहा है, 2m प्लस के 4 दिख रहा है, c का वैल्यू कितना नजर आया, 8m प्लस के 1 नजर आया। ये मेरे पास a b c का वैल्यू है, तो d होता है 4 b स्क्वायर माइनस 4 से डिवाइड कर देते हैं, b स्क्वायर करेंगे तो 2m प्लस के 4 का होल स्क्वायर कर देंगे। यस और नो? माइनस के 4, a का वैल्यू 4 माइनस m और c का वैल्यू 8m प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है और यहां से n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बात समझ में आ गई? चलो सॉल्व करते हैं, यहां से सिंपलीफाई करते हैं। देखो जी, यहां से मैं देख पा रहा हूं कि यहां से 2 है, यहां से 4 है, तो 2 एंड 4 में से 2 कॉमन आ रहा है, और अगर 2 को मैं कॉमन उठाऊंगा तो 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा, और 2 का स्क्वायर का मतलब होगा कि 4 कॉमन आएगा, तो 4 यहां से भी कॉमन आ रहा है, 4 यहां से भी कॉमन आ रहा है। इन दोनों से जब मैं 4 कॉमन लूंगा, कॉमन लेके 0 में भेज सकता हूं। या सुनो, तो ये इक्वेशन यहां से कितनी बचेगी, ये बचेगी m प्लस 2, कितनी बचेगी बेटा ये m प्लस के 2 बचेगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि मैंने 2 यहां से कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया यानी 2 का स्क्वायर कॉमन लिया, तो 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा तो मेरे पास 4 आएगा, 4 यहां से भी आ सकता है, तो दोनों से कॉमन लेके मैंने 0 में भेज दिया। यहां पर सिर्फ ये बचा, इसका स्क्वायर बोलते हैं, ये खुलेगा a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस के 2ab यानी कि 4m आ जाएगा, माइनस के, ये 4 तो हट गया बेटा, अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 8 चौक 32, तो माइनस के 32m आ जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, तो नेगेटिव 4 आ जाएगा बेटा ये, क्योंकि बाहर नेगेटिव है ना, नेगेटिव वाला मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, माइनस m का 8 से करेंगे, तो माइनस का 8m स्क्वायर, पर बाहर भी माइनस है तो प्लस बन जाएगा, कितना हो जाएगा ये, प्लस के 8m स्क्वायर, और माइनस m का प्लस m से करेंगे तो माइनस m आना चाहिए, पर ये प्लस के m बन जाएगा, इक्वल टू 0 नजर आएगा। तो ऐसे हमने यहां पर चीजों को समझ लिया। अब यहां पर देखो स्क्वायर वाले क्या है, m स्क्वायर और 8, कितना बन गया 8 और 1 9, तो 9m स्क्वायर आ गया। m वाला देखो कितना है, यहां से है 32 और ये कितना है जी 4 और ये कितना है 1 5, तो ये 5m है, 32 में से अगर मैंने 5 घटा दिया तो कितना बचा 27, तो ये बचा माइनस के 27m, गॉट इट। अब बची न्यूमेरिकल वैल्यू में ये 0 हो गया, ठीक है ना, और ये भी क्या हो गया जी 0, क्योंकि आपस में क्या हो जाएगा, दोनों चीजें आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो बचा 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं, बराबर कितना आ जाएगा 0 निकल के आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, यहां से मैं अगर रूट निकालने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको पिछली वाली प्रॉपर्टी याद है जो अभी अभी मैंने लिखवाई थी, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डायरेक्ट रूट निकाल सकते हैं इसके। आप लोग आंसर क्या बोल रहे हो, ठीक है बच्चों के आंसर कुछ अल्पड़ा अभी बता रहा हूं, डायरेक्ट मेथड भी, ठीक है डोंट वरी, परेशान मत हो। तो यहां पर बच्चों के आंसर जो आ रहे हैं, ठीक है कुछ बच्चे बी की तरफ जा रहे हैं, कुछ बच्चे सी की तरफ, कुछ बच्चे ए की तरफ जा रहे हैं, कुछ बच्चे डी भी बोल रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है, अगर एम स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक होगा, अगर m स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक होगा, तो दो रूट निकलेंगे। और यहां पर c का वैल्यू क्या है, और अगर c का वैल्यू 0 होता है तो मेरे सिर, अभी अभी तो मैंने बताया था कि अगर c 0 होगा तो एक मूल हमेशा 0 होगा, यानी कि हमें एक चीज समझ में आई कि सर यहां से एक मूल 0 होगा, तो एक मूल अगर 0 होगा तो सर यहां पर तो 0 दिया नहीं है, यहां पर 0 दिया नहीं है, यहां पर सिर्फ 3 दिया गया है, तो मेरे पास 0 या 3 आंसर निकल के आ जाएगा a वाला। हमने इसको सॉल्व किया क्या? नहीं किया ना, बिना सॉल्व करे आंसर निकल के आ गया। बात समझ में आ गई? बाकी सॉल्व करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, 9 तो कॉमन ले सकते हैं, बचेगा m स्क्वायर और 9 + 27 तो 3m आ जाएगा बराबर 0। यहां से अगर मैं m को कॉमन लूंगा तो m माइनस के 3 बराबर 0, तो एक बार m बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, एक बार m माइनस के 3 बराबर 0 यानी कि m का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे ऐसे करके 0 और 3 निकल के आया। क्या बात समझ में आ गई सब बच्चों को? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब यहां से सर ये तो हमने किया एक एक्चुअल तरीका कि सर जो हमारा तरीका है करने का, पर क्या मैं इसको थोड़ा सा आसान बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे सर? चलो देखो, जब हमने ये वाली कंडीशन बनाई तो ये कंडीशन क्या थी बच्चा? ये कंडीशन थी सर कि मूल कैसे हो जाएंगे आपस में, मूल कैसे होंगे, समान होंगे, ये वाली कंडीशन बनाई थी। यहां पर m का वैल्यू पूछ रहा है, भाई m का वैल्यू इन्हीं में से कोई एक होने वाला है, तो मैं m का वैल्यू एक ही करके रख सकता हूं क्या? अगर मान लीजिए मैंने m का वैल्यू 0 रख के देखा, अगर मैंने m का वैल्यू 0 रखूंगा तो 2 × 0 बचेगा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, यहां से 16 आ गया, यहां से 4 माइनस 0 4 ही बचेगा, 4 16, ये भी माइनस के 16 हो गया जी। आगे क्या बचेगा, ठीक है अच्छा, इसके मल्टीप्लाई में भी कुछ है, मल्टीप्लाई में कितना था मेरे पास, ये 0 हो जाएगा प्लस 1 बचेगा, तो 1 मल्टीप्लाई का कुछ नहीं बचेगा यानी कि 0 आ जाएगा, यानी कि सर 0 पर सेटिस्फाइड हो रहा है तो 0 वाला ही आंसर आएगा, क्योंकि 0 ही मेरे पास एक ऑप्शन में भी दिया गया है ना, बाकी तो होंगे नहीं, ठीक है तो 0 किसी और में है ही नहीं, तो बस ए ही सही जवाब निकल के आ जाएगा। आई होप सब बच्चों को हो चुका है क्रिस्टल क्लियर, तो आई होप इतनी बातें सबको समझ में आ चुकी है। ओके गॉट इट, चलिए तो अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर देखो इसने हमसे क्या कहा, इसने कहा रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर रेशनल, यानी कि इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रेशनल हैं। तो कब रेशनल होंगे, क्या a प्लस b माइनस c बराबर 0 होगा तब रेशनल होंगे, या a माइनस b प्लस c बराबर 0 होगा तब रेशनल होंगे, ठीक है। और रेशनल को हम बोलते हैं परिमेय, मूल कैसे हैं जी, मूल इस बार इसके परिमेय है, तो इनमें से बताना है कौन सी कंडीशन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। चलो भाई लगाओ दिमाग इसमें, ठीक है, और आंसर मुझे बताओ क्या आंसर आने वाला होगा, ठीक है लगाओ। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है समझने का प्रयास करो,
एंड मुझे इसका आंसर दो, क्या होने वाला है? आया किसी बच्चे का? नहीं आया, बहुत बढ़िया जी। लगाओ 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 तड़का इस पे, क्या होगा इसका रिजल्ट? क्या कहा? ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c बराबर 0 के मूल कैसे हैं? मूल इसके परिमेय हैं, और मूल परिमेय हैं तो इनमें से कौन सी कंडीशन करेक्ट होगी ऐसा हमको बताना है, कि a प्लस b माइनस c बराबर 0 होगा, या a प्लस b प्लस c बराबर 0 होगा, या a प्लस b प्लस c बराबर 0 होगा, इनमें से कोई सी एक चीज हमको कंफर्म करनी है। a होगा, a होगा, बच्चे कह रहे कुछ a होगा, कुछ बच्चे कह रहे b होगा, ठीक है ना? सर मुझे नहीं पता था कि कल क्लास रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी। बेटा रिकॉर्डेड क्लास नहीं रहेगी अब, ठीक है ना? रिकॉर्डेड क्लास सिर्फ और सिर्फ आपकी एप्लीकेशन पर ही प्रोवाइड कराई जाएगी, वहां पर आपको एनरोल करना पड़ेगा। चलिए यहां पर चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तरीके बहुत सारे, मैं एक एक करके समझने की कोशिश करता हूं। पहला तरीका जो कि थोड़ा बड़ा हो सकता है, समझने का प्रयास करेंगे। अगर इसके मूल रेशनल है, आप मेरी बात को समझना, अगर इसके मूल रेशनल है तो रेशनल का मतलब क्या होगा? रेशनल का मतलब होगा कि जो अंडर रूट वाली वैल्यू आ रही होगी वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac जो ये वैल्यू होनी चाहिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए बेटा। यह सुनो, परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, या मेरी बात समझ में आ गई क्या? अगर ये वाली वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होगी तो मैं यहां पर जरा वैल्यू देखता हूं क्या निकल के आने वाला है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac ऑलरेडी है ही है। अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर देखने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं ऑप्शंस पर भी जा सकता हूं। मैं क्या जा सकता हूं? ऑप्शन पर जा सकता हूं। जैसे कि पहले ऑप्शन ने मुझसे कहा कि a प्लस b माइनस c बराबर 0, इसका मतलब यह होगा कि सर a प्लस b माइनस के c बराबर 0 है तो ये बराबर के c हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो c का वैल्यू मैं a और b रख सकता हूं, c का वैल्यू क्या रख सकता हूं, मैं a और b रख सकता हूं। अगर मैं c का वैल्यू यहां पर a और b रखूंगा तो b स्क्वायर एज इट इज है, यहां पर a है, c का वैल्यू मैंने a प्लस के b रख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। कंडीशन क्या निकल गई यहां से? कंडीशन निकल गई b स्क्वायर माइनस के 4a स्क्वायर प्लस माइनस बन जाएगा, अभी माइनस का 4ab आ जाएगा क्या? अब क्या यहां से कुछ परफेक्ट स्क्वायर जैसी चीजें बन रही है क्या? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab, यहां पर अगर प्लस बनता तो मैं कह देता कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। अरे बस उनमें ठीक है, कैसे कि सर अगर यहां प्लस होता तो मैं कहता कि सर ये b स्क्वायर होता और ये माइनस था तो ये 2a का होल स्क्वायर बन जाता, और माइनस के 2 और यहां से क्या बन जाता, a एक बार बन जाता b और एक बन जाता 2a। तो देखो b स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, अगर यहां प्लस होता, पर यहां पर प्लस है ही नहीं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता था। अगर प्लस होता तो मैं कहता कि सर b माइनस 2a का होल स्क्वायर बन गया क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका मतलब a वाला आंसर तो बिल्कुल रॉन्ग है। क्या मेरी बात समझ में आ गई सब बच्चों को? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। वहीं पर नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर a और c बराबर किसके हो जाएगा बेटा सेकंड ऑप्शन में? a प्लस c बराबर हो जाएगा b के। तो अब क्या करेंगे, a प्लस c की जगह b, b की जगह a प्लस c रखो। अगर मैं देखता हूं b स्क्वायर माइनस के 4, ठीक है, a मेरे पास एज इट इज है, अच्छा b की जगह रखना है यहां पर हमें, b की जगह रखेंगे तो a प्लस c का होल स्क्वायर आ जाएगा बेटा, और माइनस के 4, ठीक है, ac मेरे पास ऑलरेडी है। इसको चेक करके देखो, इसको सिंपलीफाई करेंगे, a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस के 2ac आ गया और माइनस के 4ac आ गया, यस और नो? और यहां से क्या बना, a स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर, 4ac में से अगर 2ac माइनस करूंगा तो क्या माइनस के 2ac निकल के आएगा, यस और नो? और ये वाली वैल्यू क्या नजर आ रही बेटा, ये वाली वैल्यू फॉर्मूला दे रही है a माइनस c का होल स्क्वायर, यस और नो? यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बन गया अगर ये वाली कंडीशन है तो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, यानी कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी, यस और नो? क्या मेरी बात सब बच्चों को समझ में आ चुकी है? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनके आंसर्स को सिंपलीफाई कर सकते हैं, आंसर्स यहां से निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। इसने क्या कहा, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स हमेशा कैसे होंगे? ऑप्शन है इरेशनल, रेशनल, इमेजिनरी या फिर नन ऑफ दीज, ऐसा हमको बताना बेटा, ठीक है? कि रूट्स इरेशनल होंगे या रेशनल होंगे या इमेजिनरी होंगे या इनमें से कुछ भी नहीं होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, आराम से कर सकते हैं इसको भी हम। तो रेशनल के लिए आप समझ में आना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, d का वैल्यू की होना चाहिए। इमेजिनरी के लिए हमें समझ में आना चाहिए d का वैल्यू माइनस होना, के लिए आप समझ में आना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए d का वैल्यू। इरेशनल के लिए समझ में आना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। इमेजिनरी के लिए हमें समझ में आना चाहिए d का वैल्यू माइनस होना चाहिए, ठीक है? और नन तो इन सब में से कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलो समझते हैं। यहां से भी अगर देखते हैं प्यारे बच्चे, a का वैल्यू बताओ मुझे क्या है? क्या यहां पर a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 3 माइनस 7 a है और c का वैल्यू माइनस के 7 a है? तो सारा खेल क्या है, d का ही है। तो d निकालते हैं, d क्या होगा, b स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 7 a का होल स्क्वायर माइनस के 4, a का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू माइनस के 7 a है, तो प्लस हो जाएगा और 7 a निकल के आ जाएगा। अगली बात सुनने, इतनी बात सबको समझ में आई? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा बेटा, ठीक है? और प्लस के 7 का स्क्वायर 49 और a स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस के 2ab, 7 से 21 42, तो ये 42 a आ जाएगा, और यहां से ठीक है कितना आ जाएगा, 4 12 12 सत्ते 84, ठीक है? तो यहां पर आ जाएगा प्लस के 84 a आ जाएगा। ये मेरे पास d का वैल्यू निकलता हुआ चला जा रहा है, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। तो यहां से आया 49 a स्क्वायर, इन दोनों को अगर सिंपलीफाई करते हैं तो 42 दूनी 84 होता है पूरा, यानी कि जस्ट इसका आधा है, आधा है तो कितना बनेगा, ये बनेगा प्लस के 42 a, और साथ में कितना है, प्लस के 9 है। ये मेरे पास चीजें नजर आ रही हैं। अब मुझे बताओ क्या ये ठीक है चीजें नेगेटिव में जा रही है क्या? क्या ये जो पूरा d निकाला मैंने, क्या ये d नेगेटिव है?
क्या किसी स्थिति में ये नेगेटिव बन सकता है? अगर मैं कुछ भी वैल्यू रखता हूँ, मान लीजिए मैंने ए का वैल्यू नेगेटिव बन भी रख दिया, तो नेगेटिव बन रखने पर ये तो पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा, पर फिर भी मेरे पास ये तो पॉजिटिव रहेगा ना। नेगेटिव टू रखा तो नेगेटिव टू रखने पर ये फोर हो जाएगा, क्योंकि 49 × 4 हो जाएगा, ये 49 × 2 रहेगा, ये तो फिर भी नेगेटिव में छोटा आ रहा है, यानी कि इससे इसमें माइनस करने पर पॉजिटिव आएगा और ये पॉजिटिव है ही है। इसका मतलब सर ये हमेशा क्या बन रहा है? पॉजिटिव बन रहा है। अगर पॉजिटिव बन रहा है तो सर इमेजिनरी तो किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। अब मुझे बताइए क्या मेरी बात समझ में आ चुकी है? यस नो, क्लियर होगी इतनी बातें? ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम सिंपलीफाई करने का प्रयास करते हैं। इसको हम थोड़ा ऐसे लिखते हैं, देखो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं? 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? प्लस के, यहां पर लिख सकते हैं 7a का होल स्क्वायर। और अगर मैंने यहां पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला खोल रहा हूं, तो 2ab कैसा होना चाहिए था? 2 × 3 × 7a। यस सुनो, अब जरा देखना इनका मल्टीप्लाई 42a है क्या? तो 7 × 21 = 42, ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब सर ये 3 + 7a का होल स्क्वायर है। अगर बात समझ में, तो d का वैल्यू क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है, और d का वैल्यू अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट कैसे होंगे मेरे बच्चे? रैशनल हो जाएंगे। तो आई होप इस तरह की चीजें भी आपको समझ में आ चुकी है। बी विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट मेरे बच्चे, बी ही परफेक्ट आंसर हो, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे हम इन क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। ये सारे क्वेश्चन बेस्ड ऑन, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स पर आधारित क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, कि k का मान क्या होगा फॉर विच इक्वेशन, इस इक्वेशन के कैसे रूट्स हैं? हैव रियल रूट्स। अगर इसके वास्तविक रूट हैं तो k का मान क्या होगा? जल्दी से लगाओ इस पे, कौन जवाब देने वाला है? चलिए बताइए, इसका रूट